नमस्कार, मैं हूं भावना। हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में हरिमंदर साहब के लंगर हॉल में गत रात्रि एक सर्वर परोसते समय उबलते आलू के पैन में गिरा, हालत गंभीर। जीरा में एक खिलौने की दुकान में सुबह अचानक लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के अमृतसर में हरिमंदर साहब के लंगर हॉल में बड़ा हादसा हो गया। गत रात्रि एक सर्वर लंगर परोसते समय उबलते आलू के पैन में गिर गया। पास में सेवा कर रहे सेवादारों ने तुरंत उसे कड़ाही से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अमृतसर के वलस्थित श्री गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवादार गुरदासपुर के धालीवाल का रहने वाला बलबीर सिंह है। वह पिछले 10 साल से श्री हरिमंदर साहब में सेवा के लिए आ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे आलू उबालने का काम चल रहा था। हरिमंदर साहब की बड़ी कड़ाही में आलू उबाले जा रहे थे। इसी दौरान बलबीर सिंह भी आलू उबाल रहे थे कि अचानक वह कड़ाही में गिर गए। सेवादार का हाल जानने अस्पताल पहुंचे श्रोमणी कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह दामी, और उन्होंने कहा कि सेवादार बलबीर सिंह के इलाज का पूरा खर्च प्रबंधन समिति द्वारा उठाया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल रात ऐस रात तो पिछली रात एक साडा सेवादार सी जिहदा पैर तिलकण करके ओ कड़ाहे दे विच जा डिगया, जिहदे नाल उहदे बहुत सारे जड़िया बारन इंजरीज हो गई। वो इस हॉस्पिटल च दाखिल आ, और धन गुरु रामदास पातशाह जी कृपा बख्शी करके वह सारा जिन्ना भी इलाज आ डॉक्टर ए पी सिंह जी उन्होंने भी बेनती की आ कि श्रोमणी कमेटी वालों जोड़ा प्रैवलेंट तौर पर हूँ जोड़ा हैगा इलाज वह किया जाए ता कि जीड़ी आ सेहत जाबी हो सके। जीरा बाईपास बाबा मोजादीन वाले के पास एक खिलौने की दुकान में सुबह अचानक आग लग गई। जे आग इतनी भयानक थी कि इसमें दुकान का सारा सामान जल गया और दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक ने बताया कि वह हर दिन की तरह रात में अपनी दुकान बंद कर कर घर चले गए थे, और सुबह उन्हें फ़ोन आया कि उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है, और जब उन्होंने जाकर देखा तो दुकान में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उन्होंने कहा कि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो वही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 2:30 बजे फोन आया था कि जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। नाम सतीश सिंह है जी, जीरा फायर ब्रिगेड का मुलाजम है। तो 3 बजे के करीब आई सी सानू कॉल कि इतने खिडौने वाली दुकान है, इनू अग लगी हुई है। मौके से आ गए थी, देखा अग काफ़ी सी, तो अग तो काबू पा लग गए। अग ज़्यादा होने करके फिर दूसरी गड्डी भी अभी बुला ली, तो फिर अग पर काबू पाया गया। विचित्र सिंह पुत्रजीत सिंह वासी जीरा, तो मेरी दुकान ताल टवाए टेलीफोन एक्सचेंज के कोल। रात सानू तो 2:30 बजे फोन आया, अचानक पता नहीं किस कारण करके उन्होंने अग लग गई, तो मेरा बहुत माली नुकसान होया, जो कि करोड़ों रुपया के मेरा बच्चे समान सी। तो इस करके भी कुछ भी नहीं, बगैर कंधा तो बगैर कख नहीं बचा, तो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतलाब मंदिर सरोवर तटवासनी पर स्थित विश्वमुखी मातृपुर मालनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें त्रिपुर मालनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक पवन राजे पार्टी ने मां भगवती के भजनों का गाकर उपस्थिति मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता,
कोदक्ष पविंदर बहल पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता सीमा गल्होत्रा जादव खोंसला रमन शर्मा सौरभ शर्मा दविंदर प्रभाकर भारत भूषण बजाज जगमोहन सिंह खोंसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शिव भोले वाले रहते माँ तेरे मन के अंदर ज्योत तेरी कन कन के अंदर तेरे आंचल की शीतल छाया भक्त मांगते हैं महामाया कभी माँ हमसे दूर न जाना आपका विपदा से बचाना तेरे वरदान से है वरदाती दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती सुने बच्चे आदि बुक।
सागर जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रसम क्रिया श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हॉल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय स्नेह सागर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवतार हेनरी एवं पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीति धार्मिक एवं सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय स्नेह सागर को श्रद्धांजलि अर्पित की। टोनी सेठी जी, कुलजीत सिंह जी, केवल पहलवान जी भी इस परिवार के दुख शामिल होने लिए आए हैं। इस परिवार के दुख शामिल होने वाले विनोद कोहली जी, वीरेंद्र भारद्वाज जी, रॉकी कपूर जी, राजू थापर जी, रूबी कपूर जी, पिट्टू सोनी जी और चिंतपुर्णी मंदिर के सैकटरी अनिल पाठक जी भी इस परिवार के दुख शामिल होने लिए आए हैं। अश्विनी धवन जी, अरुण टंडन जी, रत्नेश ठाकुर जी और मानवाधिकारी युग के प्रधान संदीप शर्मा जी भी इस परिवार के दुख शामिल हुए हैं।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਮਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਪੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਸੋਤੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਸਹਿਤਾ ਜੀ, ਐਕਸ ਐਮ ਸੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਊਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸ ਐਮ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ, ਗਗਨਪੁਰੀ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਪੁਰਾ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਰਾ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਐਕਸ ਐਮ ਸੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਠਾਰੂ ਜੀ, ਨੰਨੂ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਡੈਨੀ ਜੀ ਔਰ ਮੋਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਛ ਆਏ ਹਨ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ज्वेलर्स के मालिक विनय चड्डा का गत दिवसीय आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जलंधर के हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय विनय चड्डा को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी एवं पारिवारिक सदस्य सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विनय चड्डा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
इसके साथ ही अब तक की कुछ गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार, मैं हूं भावना। हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर।